एंड आई थिंक आई एम ऑलवेज प्रूवन राइट. अभी भी हमें हमेशा कहता हूँ पेरेंटिंग इज द की. एग्जैक्टली, पेरेंटिंग इज द की. आप अपने बच्चे को, जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, आई थिंक वहाँ से ये रोल स्टार्ट होता है. व्हाट यू हैव टू से? आई कम्प्लीटली एग्री. एंड मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि दैट इवन इन द हाउस होल्ड, तो जो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. सो वट एवर देर ऑब्जर्विंग, बिकॉज देयर ग्रेटेस्ट एक्सपोजर इज टू देयर पेरेंट्स, राइट? तो उस हवाले से फिर बहुत यंग एज से उनसे इंस्टिल किया जाता है कि जो घर पे वो देख रहे हैं इट्स वेरी नॉर्मल. तो अगर वो देखते हैं कि उनके जो फादर हैं अपनी मदर को मार रहे हैं छोटी सी बात पे, तो देन दैट बिहेवियर गेट्स कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड. एंड फिर जो बड़े होके जो बेटा होता है, फिर ही विल डू द सेम थिंग टू हिज वाइफ. तो फिर ये साइकिल चलती जाती. सो दैट्स वाई वी नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट दीज टॉपिक्स. और हम यही चाहते हैं कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया, थ्रू दैट वी कैन रन कैंपेन्स, और उस तरह से नौजवानों को हम पहले से बता सकते हैं कि दैट व्हाट इज़ द राइट वे टू बिहेव इन द हाउस एंड हाउ इज़ द राइट वे टू ट्रीट वुमेन, बिकॉज वुमेन आर ह्यूमन बीइंग्स. एंड दिस इज, आई थिंक उनको ऑब्जेक्टिफाई बहुत कर दिया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी तो इट्स अ टॉय, इसको जो तोड़ना है तो तोड़ भी दो, कोई मसला नहीं, दूसरा आ जाएगा. Yeah. एक ये जो माइंड सेट है, मेरे ख्याल से इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके साथ साथ मुझे जो आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं मैम, आई थिंक वो इतना एक डीपली पेनेट्रेट कर चुका है, क्योंकि कभी भी कोई चेंज लाने के लिए मेरे ख्याल से हमें सारी क्लासेस को अपने सामने रखना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि जिस तरह के प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हर क्लास में एग्जिस्ट करता है. बच्चा किसी भी, चाहे गरीब आदमी का हो चाहे अमीर आदमी का हो, अगर बेटा है तो उसके लिए गन या गाड़ी आएगी, और जो बेटी है उसके लिए गुड़िया आएगी. कितनी अच्छी आपने ये बात. एक और चीज़ आई माजरत के साथ, जो मीडिया एक है ना हमारी, मोस्ट ऑफ द अवाम के लिए मीडिया एक क्लासरूम है. सब लोग स्कूल नहीं गए, सब लोग, बहुत सारे लोग अपनी वैल्यूज जो इकदार हैं उनकी, वो सीखते हैं टीवी ड्रामा से, बिल्कुल से, और एड से, राइट? अगर आप एड में दिखा रहे हैं कि खातून ही सर्व कर रही हैं और वो ही जिम्मेदार हैं परवरिश की, और मतलब बाप का कोई रोल ही नहीं, मतलब कपड़े भी धो रही हैं, एक बैग लेके वो बस जा रहा है, थका हुआ और गिर गया, और उसको चाय और सालन रोटी मिल गया, दैट्स इट. या एंड आल्सो लाइक आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, मतलब आप जब डोमेस्टिक वायलेंस टीवी पे इतना खुलेआम दिखाएंगे तो एक व्यूअर जो है, चाहे जो भी एज का हो, दे आर टेकिंग इट इन. और नौजवान तो स्पेशली जो हमारा फ्यूचर है, वो क्या सीख रहे हैं अगर हम ऐसे ड्रामे या ऐसे एड्स बनाएं जिसमें वी शो एम्पावर्ड वुमेन, वी शो वुमेन हु आर मेकिंग अ चेंज इन देयर ओन लाइफ. आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज. मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिसके अंदर मर्द हजरात टेलीविजन ड्रामाज में कहीं भी दे आर कंफर्टेबल विद एन एम्पावर्ड वुमन. मेरे ख्याल से हमें वो इंटिमिडेशन को इतना हाईलाइट कर देते हैं. रोजीना, मुझे आप एक बात बताइए, यू नो व्हाइल, यू नो, जब आप इस करियर की तरफ आ रही थी या जब आपने सोचा था कि आई एम गोना टेक अप दिस करियर, तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, तब आपका अज़म क्या था, आपका माइंडसेट उस वक्त क्या था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 1985 में नर्सिंग प्रोफेशन की इतनी विजिबिलिटी नहीं थी. ये तो अभी COVID-19 ने हीरोज बना दिया ना नर्सेस को. एब्सोल्युटली. तो उस वक्त जब मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे नर्स बनना है, तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने कहा कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, व्हाई यू वांट टू बी ड्रॉप आउट फ्रॉम द हाई स्कूल. तो उस जमाने में नर्सिंग प्रोफेशन को ये समझा जाता था कि अगर आपने पढ़ना नहीं है, स्कूल छोड़ देनी है, तो आप नर्सिंग में आ जाएं. इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में एज अ स्टूडेंट जाने लगी, तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव कहते थे कि आप इंटेलिजेंट लगती हैं, लेकिन क्या आपके फादर और ब्रदर जो हैं, घर के जो आदमी हैं, वो क्या आपकी टेक केयर नहीं कर सकते हैं कि आप इस शोबे में आ गई और आप ये काम कर रही हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो हमने रसूल सल्लम के ज़माने में रुफैदा अलैहिस्सलामिया अलैहिस्सलाम को जो हमने देखा कि उसने सारे गज़वात में और उसके बाद जो एक नर्सिंग के काम को आगे बढ़ाया, उसके बाद एक डार्क पीरियड आ गया शायद. तो उसके बाद ये समझ जाने लगा कि नर्सिंग का मतलब ये है कि आप एक ऐसे शोबे की तरफ हैं जो रिस्पेक्टेड नहीं है. जिस तरह हम सुनते हैं आम जिंदगी, है बेचारी नर्स है. हाँ, बेचारी, ये तो बेचारी नर्स है. हाँ, व्हाट मीन बेचारी नर्स? तो अब मेरा ख्याल है कि चलते चलते ये जो 40-50 साल का अरसा गुजरा है, और मैं 87 में जब मैंने ग्रेजुएट किया, तो बहुत सालों तक ये चलता रहा सिलसिला. जब मैं ट्रैवल करती थी, मेरे बराबर में कोई मुझे पूछता था, तो जब मैंने मास्टर्स कर लिया अमेरिका से हेल्थ पॉलिसी में, फिर नर्सिंग में पीएचडी किया, तो अल्लाह ने इस आदत नसीब की कि मैं फ़र्स्ट पीएचडी पाकिस्तान से AKU से गई, और करके जब मैं मुल्क में वापस आई तो लोगों ने कहा आपने 12-13 साल तो पढ़ लिया, तो आप MBBS ही कर लेती, तो आप डॉक्टर तो कहलाती.